मुझे अकेला मत छोड़ो यार, भी डर लग रहा है। ये देखो, ये यार केन कोर्सो के जबरदस्त पपीज। ओए सर से पूछ लेते हैं सर, एक अच्छे केन कोर्सो के फीचर्स क्या क्या होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा कैनल के बारे में, मैंने केन कोर्सो का कैनल कवर किया था। तो इस बार मैं केन कोर्सो जितने भी डॉग्स हैं ना सर के पास, तो वो सारे डॉग्स आपको दिखाने वाला हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन जो केन कोर्सो के लिए होती है ना, वो दिखाने वाला हूँ। और क्यूट क्यूट से पपीज है वो भी दिखाने वाला हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला, इतने सारे केन कोर्सो एक जगह पे ना यार, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले सर से पूछ लो सर, मैं कौन सी लोकेशन में आया हूँ, ये कौन सी लोकेशन है, इतने सारे केन कोर्सो देखो, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ ही रहना। लखनऊ हाईवे है, उसके पास मैं आया हूँ। तो यार बाकी मैं इन्फॉर्मेशन और एड्रेस एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये देखो इतने सारे केन कोर्सो सर, पूरा केन कोर्सो का फॉर्म है ना सर। तो आप डॉग देख सकते हैं आपके सामने, सारे डॉग्स हैं, अभी सारे डॉग्स से आपको मिलाऊंगा मैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा ना अपने कैनल वाला, तो वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने कैनल का टूर करा रखा है पूरा। मुझे अकेला मत छोड़ो यार, भी डर लग रहा है सर, उधर चले गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिंगो बाहर आ गया, ये बिंगो है जो भौंक रहा था अंदर से बहुत। इतने सारे केन कोर्सो एक साथ जिंदगी में पहली बार देखे, ये बहुत एग्रेसिव था केज के अंदर। उनकी टेरिटरी है ना सर, वो अब कोई मुझे अटैक, मतलब कोई, मतलब जो केज के अंदर से था ना, उसके पूरे पलट गए भाई, पूरे पलट गए। ओ भाई सर, ये डॉग्स को माना जाता है कि बहुत ज्यादा, मतलब इसको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है और ये प्लेफुल बहुत होते हैं। देखो कोई भी चीज एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं तो इन्हें कोई बॉडी लिफ्टिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। जी इनमें अपना ये देखो, ऐसे ये रोज एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे खेलते हैं, इसका मतलब होता है कि खेल। ये बॉल आ गई, बॉल के दीवाने होते हैं डॉग्स यार। ये ओए भाई। तो सर इसमें से कितने आपके इंपोर्टेड हैं और कितने सेल्फ? 40 डॉग्स हैं मेरे पास। हां 17 डॉग्स, इसमें से 17 फीमेल्स इंपोर्टेड है मेरे पास में, 10 मेल्स इंपोर्टेड है। तो 27 टोटल इंपोर्टेड है अभी तक, तो यही है। बाकी जो मेरे पास अपने इंपोर्ट से रखे हैं, जैसे देखो पर्पस यहां इंपोर्ट की बात करने का नहीं है। हां एक अच्छा ब्रीड अगर मैंने किया है, हां उसमें से मेल या कुछ फीमेल मैंने अपने रिटेन करा, हां जिसको मैं इसको धीरे-धीरे सभी फीमेल या मेरे यहां की फीमेल है उसके पूंछ और ईयर्स है ये वाली, ये देखो जिसकी टेल और केज में, लेकिन छोटे से मैं खोल नहीं रहा हूँ। हाँ बड़े डॉग के साथ में, तो ये सारे बड़े डॉग्स हैं। देखो ये सर की खुद की सेल्फ होम ब्रीड है ये वाली, और थोड़े बहुत इनको आपको वो भी दिखेंगे जो इम्पोर्टेड है। आपने सिर्फ केन कोर्सो से ही क्यों चूज किया, इतने सारे डॉग ब्रीड्स, कैसे प्यार है वो केन कोर्सो से? देखो ये ब्रीड ना, हाँ अब आप ये ब्रीड कुछ ब्रीडों से अलग है। हाँ एक तो ये बाकी ब्रीड के साथ ट्रीटेबल है, हाँ जैसे बाकी मैं कहता हूँ रॉटवीलर है या कोई बुलीज है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। अच्छा ये डॉग प्रेडिक्टेबल, मैं आपको, आप एक अनजान व्यक्ति हो मेरे सामने, हाँ। सारे मेल हैं, ऑलमोस्ट सारे मेल हैं, सारे मेल हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कैनल में, आपको यकीन नहीं होगा इतनी, मतलब जिसका एक परसेप्शन बना हुआ है ना लोगों के मन में कि बहुत ही एग्रेसिव और ख़तरनाक ब्रीड है, देखने में भाई थोड़ी सी लगती है डेंजरस, डर लगता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और भाई बिल्कुल भी इन्होंने मेरे को ऐसा सब मेरे साथ खेल ही रहे हैं मेरे पास आके। क्या है इसको देखो आप, देखो इस डॉग को यार। सर ये कौन सा कलर होता है ये वाला? कॉमेंटिनो कलर है और ब्लैक कलर है मोस्टली, मैंने जो वो ब्लू है, ब्लू है, अच्छा वो ब्लू है, और भी कुछ है, ब्लू ब्रिंडल है, ब्लैक ब्लू ब्रिंडल, थोड़े अलग अलग टाइप के कलर आते हैं भाई। तो सर मैं देख रहा हूँ किसी किसी डॉग की उसकी जैसे टेल नहीं कटी है, और उसके देखो टेल और ये जो है, हाँ ये कॉस्मेटिक्स होती है, अगर हम उसको कटवाना चाहें तो काटें, लेकिन लेकिन नेचुरल भी है, नेचुरल आपके सामने बहुत सारे डॉग नेचुरल वो है, देखो यार और भी बहुत सारे डॉग्स में नेचुरल नेचुरल टेल क्रॉप नहीं की गई है, दे लुक ऑसम। मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ लोगों को भी कि हाँ? आप ऐसे भी डॉग को रख सकते हो, केन कोर्सो का मतलब ये नहीं होता है कि कान नहीं हो, पूंछ नहीं हो तो केन कोर्सो होना चाहिए। तो देखो यार दोनों सामने आपके ब्रीड्स, देखो दोनों इक्वली खूबसूरत लग रहे हैं, दोनों इक्वली मतलब एकदम जबरदस्त लग रहे हैं। देखो ये विथ टेल है और इसकी ईयर्स क्रॉप्ड नहीं है, और ये वाला ब्लैक देखो कितना अमेजिंग है, ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं यार, ब्यूटी एंड बीस्ट दोनों जो बोल रहे हैं बोल दो यार। ये देखो ये यार केन कोर्सो के जबरदस्त पपीज। ओए ओए ओ भाई देखो कितने प्लेफुल होते हैं यार, भैया पे चढ़ गए हैं पूरे। ये केन कोर्सो के पपीज यार जबरदस्त, तो इनसे आपको मिलाने वाला हूँ मैं, ठीक है आज। ये देखो ओए आजा 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 आजा, ओ भाई कितने प्लेफुल हैं, आजा 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 भाई आजा 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 आजा। ये देखो यार, ये देखो यार,
देखो यार ये तीन पपीज कितने क्यूट है यार, कितना जबरदस्त लग रहे हैं भैया। कौन कौन से कलर हैं ये और कितने डेज के हो गए? जो है ब्लू है, ये वाला ब्लू है, ये रिवर्स ब्रिंडल है, रिवर्स ब्रिंडल, ये ब्लैक है, ये प्योर ब्लैक है यार, एकदम अलग ही शाइन आ रही है ब्लैक की। तो ये कितने एज के हो गए भैया? ये दोनों असल में ये बुक हो रखे हैं, कोलकाता जाना है। अच्छा, और ये मेरे पास पलेगी, ये फीमेल है और ये हैदराबाद जाने वाला है, दो मेल है एक फीमेल, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के होने वाले हैं। ओह 3 मंथ्स के पपीज हो गए यार, देखो और इनका हेड साइज देखो और इनका स्ट्रक्चर देखो यार, भाई वहाँ से ले रहा है। इसका पॉ साइज दिखाओ मैं आपको, ये देखो भाई, ये देखो 3 महीने में पॉ साइज देखो, मेरे 4 उंगलियां कवर कर दी इसने। ये देखो बोन साइज, अगर मैं हेड दिखाऊँ, इसका दिखाता हूँ हेड तुम्हें यार, भाई इसका हेड साइज देखो आप, जबरदस्त। ये देखो यार, ओ भाई ओ कुछ नाम रखा भाई सर आपने इनका? अभी कोई नाम नहीं, बिकॉज जो जाए जाएंगे, ये देखो ये वहाँ वो नाम रखेंगे अपने हिसाब से। ये फीमेल है, मैं आपको दिखाता हूँ फीमेल की क्वालिटी देखो आप, फीमेल ऐसी लग रही है कि बाकी डॉग्स के मेल के जैसी होगी। ये देखो इसका हेड साइज देखो और इसका मजल साइज देखो यार, इतनी अलर्ट है। ओए चलो बाय, जाओ खेलो 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 खेलो। वैसे ना इनको गोद में रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता है इस ऐसी डॉग को, इनको खेलना पसंद होता है बहुत ही। देखो कैसे खेल रहे हैं भागो, ये देखो सर के पास जा रही है खेलने के लिए। ये एक और सवाल है कि ये जो ब्रीड होती है इसकी डाइट में कितना डिफरेंस रहता है और क्या डाइट रहती है इनकी? इनकी नॉर्मली इनकी इनटेक ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि इनके इनके मसल्स हैं, मसल्स को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है। अच्छा, तो मैं ये बोलूँ कि सिर्फ रोटी पे पलने वाला ब्रीड तो नहीं है। अच्छा, इसको आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट देने पड़ेंगे। तो नॉन वेज वगैरह देना पड़ेगा सर? तो मैं नॉन वेज देते हैं और देना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो काफी लोग नॉन वेज तो या जो आजकल केबल्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे डॉग फूड्स अवेलेबल हैं, बट फिर भी मैं कहता हूँ डॉग फूड्स मेरे लिए, चलो मैं तो मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैं यूज कर रहा हूँ, बट कोई एक सिंगल ही ओन करता है तो आई शुड प्रेफर देम टू प्रिपेयर गुड फूड इन होममेड फूड्स, हां कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ। नो बेटा ए नो, मेरे पास आ गया था बहुत यार। तो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो मतलब दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी? नॉन वेज तो केबल्स यूज करो, केबल्स जो मतलब फूड्स जो मार्केट में आते हैं वो यूज करो, क्योंकि प्रोटीन इनके लिए नेसेसिटीज है, ऑलमोस्ट उनकी बॉडी का जो वेट का 27% प्रोटीन को चाहिए होता है। ओ देखो यार कितनी हैवी, मतलब देख रहे हो इसकी बिल्ड क्वालिटी सर, मैं देखता हूँ काफी एक साल की भी नहीं होगी ये, एक साल की मान लो हो, ये एक साल की बस भाई, इतनी बड़ी और ग्रो होगी सर ये? अभी एक साल का ये हुआ, ये एक साल का हुआ है, फरवरी में 20 तो ये और ग्रो करेंगे सर, ये अपनी पहुंच चुके मैक्सिमम रीच 70 सेंटीमीटर है यार, ये देखो 6 महीने ओ भाई 6 महीने और लगेंगे इसको ग्रो करने सर, इसकी मसल्स एकदम निकल के आ रही, एथलेटिक टाइप की बॉडी है एक्चुअली, ये ही अंतर है बाकी ब्रीडों में। अच्छा, तो इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि मुंह बड़ा है बाकी आपको बॉडी पतली दिखेगी? आप देख के समझ, यूनिफॉर्म बॉडी है एकदम, मुंह हैवी है एकदम, पूरी बॉडी है ऐसा लग रहा है हैवी वेट चैंपियन है यार ये, बिल्कुल खतरनाक ऐसा लगता है, इसे बिल्ड कर रहे हैं कुछ चीज, स्टेरॉइड्स में ऐसा लग रहा है। ये बिंगो है ना सर? बिंगो सर, ये कितनी एज का हो गया बिंगो? ये 3 ईयर्स का ऑलमोस्ट, देख लो यार फुल मैच्योर हो चुका साइज, देखो देख के मजा आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ मुझे बेस्ट लगा, एकदम शाइन है सर कोट में, कि कोट भी इनकी बहुत पतली है, कोट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है कुछ शाइन के लिए? कोट बहुत डेंस होती है, स्मॉल कोट होती है, स्मॉल कोट होती है, देखो साइन जब आप स्वस्थ हो गए हाँ, कितना खेलते हैं यार, कितने प्लेफुल, अगर इनकी एनर्जी वेस्ट नहीं करी ना खेलने में तो ये ऐसा करते हैं भाई, अगर एनर्जी वेस्ट नहीं करी तो देखो सर, जिसके घर में फीमेल्स हैं या छोटे बच्चे हैं, एक अडल्ट मेल मेल नहीं है तो पाल सकते हैं वो? कम गुड बॉयज, हे कम 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 गुड बॉयज, हे ओ भाई। तो सर का कहना है कि कोई भी पाल सकता है, पर मेरे हिसाब से तो यार अगर घर पे कोई हैंडल करने वाला नहीं है ना, अगर आप घर से बाहर जाते हैं ना सर, क्योंकि इसको अगर आपके पास स्पेस है खिलाने के लिए खेलने के लिए तो भैया तब तो ठीक है, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपके घर में कोई है नहीं जो हैंडल कर सकता है स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है सर, कमांड्स पे होते हैं बहुत, ट्रेनिंग देने की बहुत ट्रेनिंग, मतलब बहुत ट्रेनेबल है, एक बार में कुछ ही सीख जाते हैं, लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी इनकी। अच्छा, कमांड्स पे होते हैं तो यार ट्रेनिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है, अगर ट्रेन नहीं किया सर तो दिक्कत हो सकती है ना? आप देखो प्रॉब्लम ट्रेनिंग नहीं होती, ओके हाँ, पानी नहीं मिले पीने के लिए, खाना ना मिले खाने के लिए, बांध के आपने कहीं छोड़ दिया है, ओके घंटों को उसको देखने जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम है, तो इरिटेट हो जाएगा न्यूट्रिशन में, ये कुछ काटते हैं भागते हैं दौड़ते हैं भागते हैं,
कितनी खाली इसकी धारणाएं गलत बना रही है कि बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत कम सिर्फ आप मुझे लगता है बहुत गिने चुने चुनिंदा ब्रीडर्स में और जो जिनके पास पैशन है केन कोर्सों का उनमें से हो, इस वजह से भी ये है परसेप्शन कि ये डॉग खतरनाक है, ऐसा कुछ है? अगर कोई एक डॉग लेता है ये वाला, कोई रखता है मतलब जिसको शौक है, मतलब इसको अच्छा लग गया डॉग, तो मंथली अगर उसको एक्सपेंस देखा जाए तो इस डॉग पे एक्सपेंस आएगा? मतलब मैं डाइट की पूछ रहा हूँ। वही है मतलब ये डॉग थोड़ी इसका डाइट का मतलब कितना है? ऐसा नहीं कि ये कोई ऑलमोस्ट 70 किलो का वेट जाता है भाई, तो एक ह्यूमन का भी वेट लगभग वही होता है, तो ह्यूमन की जितनी डाइट है। सर से पूछ लेते हैं सर, एक अच्छे केन कोर्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं जो दिखते हैं इसको देख के? तो सर सबसे पहले बता दो इसका नाम क्या और एज कितनी है इसकी? इसका नाम है कादर। ओके, सर्बिया से इम्पोर्टेड ऑलमोस्ट 8 ईयर्स के आसपास का होने वाला है। सर्बिया से इम्पोर्टेड है भाई, क्या लग रहे हैं मजल इसकी, धांसू लग रहे हैं और जो गाल लटक रहे हैं ना, एक वो डोगा करके कॉमिक्स होती थी सर उसकी तरह लग रहा है, खतरनाक डोगा ही लग रहा है पूरा देख के। मतलब इंसान ना बोलते ना कि आपको बॉडीगार्ड ऐसा नहीं लेना जो फाइट कर सके, ऐसा बॉडीगार्ड रखना है जिसको देख के लोग डर जाएँ। तो ये है वैसे बहुत फ्रेंडली और पेट लविंग, मतलब लविंग है, लेकिन इनको देख के इंसान अंदर गेट के घुसेगा नहीं। सर अगर एक क्वालिटीज़ की बात करें हम केन कोर्सों की, तो ये डॉग अभी स्टैंडर्ड में नहीं है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, ये डॉग की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक की है। ओके, मैं बताता हूँ कैसे। ऑलमोस्ट ये 8 इयर्स का हो गया है। अच्छा, जब ये इसके मदर फादर्स को जो ब्रीड करे होंगे, एटलीस्ट से 2-3 साल बड़े होंगे वो। हाँ, तो 8 और 3 में 3 साल ही मान लेता हूँ, 4 साल मान लेता हूँ, 12 वर्ष तो ये हो गया। हाँ, उसके जो मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स के जो होंगे 3-4 साल बड़े, वो इससे और मतलब उसके माँ बाप से होंगे उसके, ऑलमोस्ट ये इसकी हिस्ट्री 18-20 साल पुरानी है। उस वक्त जो चीज़ थी वो कुछ ऐसी थी। ओह, उस मतलब 20 साल पहले ब्लड एंड ऐसी हुआ करती थी, कुछ ये ऐसी थी। आज मैं ये स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि आज का स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट है, साइज छोटे हैं थोड़े से, लीन है। हाँ, ये थोड़ा 32 इसकी हाइट, ऑलमोस्ट 32 इंच है, 32 इंच इसकी हाइट है। अच्छा, जो कि स्ट्रीम है। हाँ, आज के डॉग का मैक्सिमम हाइट 28 अलाउ होता है एज पर जो स्टैंडर्ड्स है। तो स्टैंडर्ड्स में नहीं फिट बैठता है सर। बट देखो, ये होता ना कि आप कोई चीज़ पालते हो और आपको किससे प्यार हो जाता है, हर आदमी का एक पसंद होता है। इस डॉग में वो खासियत है। मानना पड़ेगा यार। तो ये देखो, बच्चे में भी खासियत है कि जो इसके बोन्स हेड्स जो स्ट्रक्चर ये दे पाता है, ये देखो, ये मेरा बेस है। अच्छा, इससे फीमेल्स को मैं रिटेन करके और आगे के जो नए मेल्स हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। अब इसकी साइज देखो आप, इसका हेड साइज सर इतना बड़ा है ना, इसका हेड और नेक देखो, नेक शोल्डर पूरा जो एरिया है ना इतना चौड़ा है, मतलब अगर जिम जाके जो लड़के बनाते हैं ना स्टीरोइड लेने के बाद वो बनाते हैं पंजे। सर अगर आप हाथ में रखें अपना एक बार दिखा सके, पंजे से बड़ा पंजा है सर के यार, ये देखो। और हेड साइज एक के सबसे ज्यादा जो मुझे लगा ना, मतलब जो अमेजिंग लगा वो हेड साइज है इसका। सर मुझसे बड़ा है, सर के मतलब दो हेड मिलाए ना, तो उतना बड़ा इसका हेड है यार। yeah. बाय कादर, फिर मिलेंगे तुमसे यार। बाय बोल दो, सबको सब्सक्राइब करने को बोल दो यार, अगर वीडियो अच्छा लगा है, मैं अच्छा लगा तो यार सब सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करना, ठीक है? मैं कैसा लगा जरूर बताना नीचे कमेंट करके, ऐसा कादिर बोल रहा है, ठीक है भाई लोगों। तो गाइस इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपको केन कोर्स जो डॉग्स थे सर के कैसे लगे और पपीज़ कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। और अगर आपको पपीज़ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सर की नंबर दे दिया है, लिंक दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।